पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुबले पतले हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं। आज हम बना रहे हैं हाई प्रोटीन हाई कैलरी शेक। इसमें आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन और 640 कैलरी। तो बनाना शुरू करें। शेक बनाने के लिए मैंने 4 खजूर लिए हैं। खजूर कैलरी से भरपूर होते हैं, ये नेचुरल स्वीटनर भी है। खजूर डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए ये हमारे शेक को डाइजेस्ट भी करेगा। मैंने सभी खजूर के बीज निकाल दिए हैं। ये मैंने 30 ग्राम मूंगफली ली है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसमें कैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है। यदि आपको कच्ची मूंगफली पसंद हो तो आप कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं। ये मैंने 30 ग्राम बादाम लिए हैं। ये देसी बादाम है। बादाम में प्रोटीन और कैलरी दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं, इसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा। ये मैंने 250 ml दूध लिया है। मैं बादाम और मूंगफली को गर्म दूध में भिगो रही हूँ। गर्म दूध में भिगोने से ये फूल जाएंगे और इसका शेक बनाने में आसानी होगी। दूध में आपको प्रोटीन, कैल्शियम और कैलरी भी मिलेगी। मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ रही हूँ, उसके बाद इसका शेक बनाएंगे। 5 घंटे हो चुके हैं, बादाम और मूंगफली अच्छी तरह से फूल चुके हैं। आप चाहें तो इसे पानी में भी भिगो सकते हैं। इसे पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर छोड़ सकते हैं। और यदि आप बादाम का छिलका उतारना चाहते हैं तो बादाम का छिलका भी उतार सकते हैं। अब हम इसका शेक तैयार करेंगे। सभी सामान मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का केला। यदि आपके पास छोटे केले हों तो आप इसमें 2 केले भी डाल सकते हैं। दूध और केले का कॉम्बिनेशन वेट गेन में हेल्प करता है। केले से आपको कैलरी भी मिलेगी और ये शेक का स्वाद भी बढ़ाएगा। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 आइस क्यूब्स। यदि गर्मी का टाइम है तो आप इसमें आइस क्यूब्स जरूर डालें। अब इसका हम शेक तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसमें कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली को पानी में भिगो दें और फिर उसका छिलका उतार लें। यदि आपको मूंगफली का टेस्ट पसंद नहीं है और आप इसमें मूंगफली नहीं डालना चाहते तो आप मूंगफली की जगह काजू डाल सकते हैं। काजू में आपको प्रोटीन और कैलरी दोनों मिलेंगे। अब इसमें बचा हुआ दूध भी डाल देंगे। हमने इसमें टोटल 250 ml दूध यूज किया है, टोटल 1 पाव दूध। अब इसे एक बार और घुमाएंगे। खोल कर देख लेते हैं। हमारा शेक बनकर तैयार है। ये देखिए, बहुत ही स्मूथ पिसा है और एकदम क्रीमी बना है। अब इसे सर्व करेंगे। हमने जितना सामान यूज किया है उसमें 1 बड़ा कप शेक बनकर तैयार हुआ है। अब इसकी गार्निश करेंगे कटे हुए केले के टुकड़े से और क्रश की हुई मूंगफली से। इस शेक में आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन और 640 कैलोरी। इसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, जिंक मिलेगा और विटामिन ई भी मिलेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड करें। आप एक साथ ज़्यादा कैलोरी ना लें। आप शुरू में 500 कैलोरी बढ़ाएं, उसके बाद 600 कैलोरी, 700 कैलोरी, इस तरह से धीरे धीरे अपनी डाइट में कैलोरी ऐड करें। साथ में एक्सरसाइज करना ना भूलें। ये वेट गेन का प्रोटीन शेक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।